गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल गेम विद ज्योति। तो मैं हूँ ज्योति और मैं यहाँ पर पोस्ट करती हूँ मेकअप, ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइल गेम विद ज्योति, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप कोई भी कपड़ा स्टिच करवा रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, जिससे आपके कपड़े का लुक भी नहीं ख़राब होगा, उसकी फिटिंग नहीं ख़राब होगी और कपड़ा भी नहीं ख़राब होगा। क्योंकि कुछ कुछ कपड़े होते हैं ना, वो महंगे होते हैं, बट एक दो बार ही पहनने के बाद ही उनकी सिलाई खिंच जाती है या कपड़ा खिंच जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं और अपने कपड़े को ड्यूरेबल बना सकते हैं एंड उससे उसका लुक भी अच्छा कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो ये है कि जब भी आप कोई कपड़ा कट कर रहे हो तो आप उसे ये ध्यान में रखें कि कपड़ा जो है वो आप हॉरिजॉन्टल कट कर रहे हैं या फिर वर्टिकल कट कर रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि जैसे मेरे पास ये कपड़ा है और इसको मुझे कुछ बनाना है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब हुआ कि लेंथ वाइज या फिर विड्थ वाइज। तो जैसे कि ये हो गई इसकी विड्थ कपड़े की जो होती है, और कपड़े की जो लंबाई होती है वो हो जाती है कपड़े की लेंथ। तो जब भी हम कपड़े को कट करते हैं ना, तो आप हमेशा उसमें ध्यान रखिए कि आप उसकी जो है लेंथ वाइज ही कट करें। कपड़े को जब भी हम फोल्ड करेंगे कट करने के लिए, तो हम उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। कभी भी आपको कपड़े को ऐसे फोल्ड करके नहीं कट करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कपड़े को, और इसके अलावा एक चीज़ और होता है कि सारे कपड़ों में ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे सही चीज़ क्या है कि आपको उसे कैसे चेक करना है, कपड़े को आप खींच के चेक कर सकते हो। तो जैसे कि अगर आप कपड़ा ऐसे खींचो और ऐसे खींचो, तो एक साइड में ऐसा होता है कि कपड़ा थोड़ा सा स्ट्रेच होता है। तो जैसे कि ये आप देख पा रहे हो, यहाँ से जब हम खींचते हैं तो कपड़ा हल्का सा, ये मैं इस तरफ दिखा देती हूँ, कपड़ा हल्का सा स्ट्रेच होता है, बट जब हम इसको इस तरीके से खींचते हैं तो कपड़ा स्ट्रेच नहीं होता है। तो जब आप उसको विड्थ वाइज काट देते हो तो कपड़े की जो फिटिंग होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, और कपड़ा कई बारी हमारी जो कुर्ती वगैरह होती है वो टेढ़ी हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले कपड़े को चेक कर लें कि वो किस तरफ स्ट्रेच हो रहा है, तभी उसकी जो है कटिंग करें, भी जिससे आपके कपड़े का लुक भी नहीं ख़राब होगा और उसकी फिटिंग भी नहीं ख़राब होगी। जैसे एक होता है रेयन एंड जॉर्जेट, जो होता है जॉर्जेट तो दोनों तरफ से ही खींचता है, बट एक साइड से वो ज़्यादा स्ट्रेचबल होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो होता है रेयन, रेयन के कपड़े को अगर आपने लेंथ वाइज नहीं कट करके विड्थ वाइज कट कर दिया, जिस तरफ वो स्ट्रेच नहीं हो रहा था, तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि जब आप कपड़े को धो देते हैं, वॉश करने के बाद कपड़ा लटक जाता है, तो उसका लुक इतना ज़्यादा ख़राब लगता है और पूरा कपड़ा भी आपका ख़राब हो जाता है। तो रेयन के कपड़े में ये चीज़ें ज़्यादा आती है, बट अगर आप उन्हें दूसरी, जिस तरफ वो स्ट्रेच हो रहे हैं उस साइड में कट करेंगे, तो उतना ज़्यादा उसमें जो वो कपड़ा लटक जाता है उतना ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, पर रेयन का फैब्रिक होता ही है, वो थोड़ा बहुत तो लटकता है। सेकेंड जो है, आप कपड़े को अस्तर लगवा के सिलवाएं। सारे कपड़ों में अस्तर की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि कॉटन के कपड़ों में अस्तर की ज़रूरत नहीं होती है, बट जैसे कभी भी आप सिल्क का फैब्रिक है उससे कुर्ती वगैरह बनवा रहे हो, या फिर आप जॉर्जेट का फैब्रिक बनवा रहे हो, तो इन सब में आप लाइनिंग ज़रूर लगवाएं। क्योंकि क्या होता है, बिना लाइनिंग के ये कपड़े बहुत जल्दी खींच जाते हैं। जैसे कि जो रॉ सिल्क का फैब्रिक होता है, अगर आपने उसमें लाइनिंग लगवा के उसको स्टिच नहीं करवाया होता है, तो जहाँ से उसकी सिलाई लगी होती है ना, वो कपड़ा अगर थोड़ा सा भी टाइट है या पहनने टाइम वो खिंच जाता है, वहाँ पर जो सिलाई सिलाई होती है वहाँ से वो थोड़ा थोड़ा होल बनते हुए ना वो कपड़ा पूरा खिंच के ख़राब हो जाता है। तो अगर आप उसमें अस्तर लगवा लेते हैं तो जो कपड़ा होता है वो काफ़ी टाइम तक चलता है, और उसकी क्वालिटी वगैरह भी दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है एंड फिटिंग वगैरह बहुत ही सही आती है। तो इस तरीके से आप कुछ कपड़ों पे ध्यान रखें कि इन कपड़ों पे लाइनिंग ज़रूर लगवाएं। कॉटन के कपड़े पे लाइनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर कॉटन एकदम हल्का वाला है, एक होता है बहुत ही लाइट कॉटन होता है, तो उसमें आप अस्तर ज़रूर लगवाएं। उसमें एकदम जो हल्का वाला अस्तर होता है वो आप लगवा सकते हो, एंड जो थिक कॉटन होता है उसमें तो लाइनिंग की ज़रूरत नहीं होती है एंड वो कपड़ा भी इतना खिंचता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख के अपने कपड़े को और अच्छा लुक दे सकते हो। एंड तीसरा जो है वो ये है कि कपड़े में जब भी आप अस्तर लगा रहे हो तो अस्तर को हमेशा वॉश करके लगाओ, कभी भी उसको ऐसे मत लगाओ। क्योंकि जब कपड़े हम ऐसे ही अस्तर को लगा देते हैं ना, एंड कपड़ा जब पूरा पहन लेते हैं सिल्क की और उसके बाद वॉश करते हैं, तो जब वो अस्तर होता है वो
थोड़ा बहुत ना इधर उधर श्रिंक हो जाता है एंड उसके बाद आपकी कुर्ती वगैरह में झोल आ जाता है, तो वो पूरा का पूरा आपका आउटफिट खराब हो जाता है, क्योंकि आपको दोबारा उसे खोल के बनाना पड़ेगा तभी उसका लुक अच्छा आएगा, वरना वो थोड़ा सा ना लटका लटका सा रहेगा, उसमें झोल आता रहेगा और फिटिंग वगैरह बहुत ही बेकार हो जाती है। तो पहले आप अस्तर को अच्छे से वॉश कर लो, थोड़ी देर उसे पानी में भिगा के रख दो एंड उसके बाद उसको अच्छे से वॉश करके आप उसे प्रेस कर लो, फिर कपड़े को कट करो। इससे अस्तर लगाने से ना उसका फिटिंग जो है वो बहुत अच्छा आता है, दोबारा वॉश करने पर कपड़ा श्रिंक नहीं होता है। एंड कभी कभी क्या होता है कि जो लाइनिंग होती है अगर हमने उन्हें वॉश नहीं किया होता है या फिर बस हम तुरंत ही वॉश करके उसे रख देते हैं तो उसका जो कलर होता है ना वो निकलता नहीं है, बट जब हम कपड़े को बना लेते हैं उसे वॉश करते हैं और थोड़ी देर के लिए भी हम भिगा के रख देते हैं तो जो अस्तर होता है उसका कलर निकल जाता है। ऐसे तो पता भी नहीं चलता ना कि कौन से अस्तर का कलर निकलेगा नहीं निकलेगा, इतना हम उस पर वो नहीं कर पाते। कॉटन का होता है तो एक बार ही कलर निकलता ही निकलता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जब आप अस्तर को लगाने से पहले ही उसे गर्म पानी में एंड नमक डाल के उसे आप भिगो के थोड़ी देर रख दो, जो भी कलर निकलना होगा निकल जाएगा। उसके बाद जब भी आप वॉश करोगे तब दोबारा वो कलर नहीं निकलेगा और आपका कोई भी कपड़ा ख़राब नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कलर निकल जाता है और अस्तर का अगर जैसे लाइट कलर का शेड है ना, तो ये तो होता है ना कि ठीक है लाइट का जिस कलर का अस्तर है उसी कलर का फैब्रिक है तो कलर छोड़ दिया तो क्या ही है, बट उसमें ना पैचेस बन जाते हैं, कहीं कहीं डार्क हो जाता है कहीं कहीं लाइट हो जाता है, वो बहुत ही गंदा लगता है, पूरा आउटफिट आपका ख़राब हो जाता है। तो जब भी आप अस्तर को लगवाओ उसमें आप अपने टेलर को बता दो, अगर आप बना रहे हो तो आप भी उसमें ध्यान रखो कि अस्तर को आप गर्म पानी में नमक डाल के उसे रख सकते हो, या फिर गर्म पानी में ही सिंपल आप अस्तर को धो के एक बार देख लो कि इसका कलर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। एंड इसके बाद एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हम किसी भी फैब्रिक से किसी और कपड़े में हम पाइपिंग लगा देते हैं या फिर पट्टियाँ लगा देते हैं, बट हम ध्यान नहीं रख पाते हैं कि कपड़े का कलर निकलेगा नहीं निकलेगा, और जब हम उसको लगा देते हैं एंड कपड़े दे देते हैं उसके बाद जब कपड़ा वो जिसका भी कपड़ा होता है वो पहले एक बार वॉश करता है तो उसके जब हमने पाइपिंग दी होती है या फिर हमने कोई पट्टी लगाई होती है उसका कलर निकल जाता है और वो पूरा का पूरा आउटफिट ख़राब हो जाता है। फिर अगर आपने अपने टेलर के यहाँ सिलवाया तो आप उसके पास लेके जाओगे, आपने किसी को सिल के दिया है तो वो आपके पास लेके आएगा, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप रेडीमेड पाइपिंग ले सकते हो, उसका जो कपड़ा होता है वो पॉलिस्टर का होता है तो उसका कलर बिल्कुल भी नहीं निकलता है। दूसरा जो है आप उसमें कॉटन या फिर ऐसा फैब्रिक ना लो जिसके कलर निकलते हैं, आप पॉलिस्टर यूज़ कर सकते हो या फिर रॉ सिल्क वगैरह यूज़ कर सकते हो, ऐसे कपड़े यूज़ करो पट्टी के लिए या फिर पाइपिंग के लिए जिनके कलर ना निकलते हो। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।